नमस्कार दोस्तों, बिलमेड में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि मोबाइल से हम अपने वेबसाइट bilmed.online पे प्रोडक्ट कैसे ऐड करें। उसके लिए पहले हमें डैशबोर्ड पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करती हूँ। मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालूँगी। लॉगिन बटन पर क्लिक कर दूंगी। तो यह है हमारा डैशबोर्ड। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए डैशबोर्ड पे हमारे पास एक प्रोडक्ट सेक्शन है, उस पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें। इससे एक प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक नया स्क्रीन आ जाएगा और ऊपर दिए गए सेक्शन में हम अपना प्रोडक्ट नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट नाम डाल रही हूँ, मेंस शर्ट। और नीचे जाने पर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, हमारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है। मैं अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालूँगी। तो यह हो गया हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो नीचे जाने पर हमारे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक सिलेक्ट सेट प्रोडक्ट इमेज का एक सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का इमेज रखा हुआ है उस फोल्डर पर जाऊँगी। मैंने अपना एक इमेज सिलेक्ट कर लिया और वो अपलोड हो रहा है। और इसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करूंगी। हमारा इमेज इस प्रोडक्ट के लिए अपलोड हो गया। नीचे आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज ऐड करने के लिए भी एक अलग सेक्शन है हमारे पास। जैसे मेरा मेन शर्ट है, इसलिए मैं मेन सिलेक्ट करूंगी। अगर इस कैटेगरीज में आपका कैटेगरीज जो नहीं है, आपको एक नया कैटेगरी बनाना है, तो नीचे एक ऐड न्यू कैटेगरी का सेक्शन है। यहाँ पे एक ऐड करके देखते हैं कि ऑन द स्पॉट हम कैटेगरी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक कैटेगरी ऐड करती हूँ, मेकअप का। और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो इस सेक्शंस में देख सकते हैं मेकअप आपका ऐड हो चुका है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं डी सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारा सिर्फ मेन कैटेगरी है। नीचे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को डालने के लिए हमारे पास दो सेक्शन है, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस जो अपना एक्चुअल प्रोडक्ट का प्राइस, जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं वो प्राइस होता है। तो मैं यहाँ पे 1600 डालूँगी। और सेल प्राइस जो है वो हम जब भी हमारा प्रोडक्ट सेल पे बेच रहे होंगे तो अपना सेल प्राइस डालते हैं। तो मैं यहाँ पे 1200 डालूंगी। और यहाँ पे नीचे शेड्यूल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से आपको एक फ्रॉम डेट और टू डेट आ जाएगा। जो हमने सेल प्राइस डाला है वो कब तक के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब दिवाली के लिए हमारे पास एक सेल ऑफर है, तो उस दिवाली के सीजन तक फ्रॉम और टू डेट तक हमारा वो सेल प्राइस वैलिड होगा, बाद में रेगुलर प्राइस अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए फ़िलहाल हम स्केड्यूल नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक मैनेज करने के लिए मैनेज स्टॉक का सेक्शन है। तो इस पर चेक करें, मेरे पास फ़िलहाल 50 स्टॉक्स है मेन शर्ट के, तो मैंने 50 डाल दिया। नीचे शिपमेंट के लिए हमें प्रोडक्ट के डिटेल्स डालने पड़ते हैं, उसका वेट डालना पड़ता है केजी में। तो मैं अपने प्रोडक्ट का वेट डालूंगी और उसके लेंथ, वेड और हाइट, मतलब उसके डायमेंशंस दूंगी मैं। वो डायमेंशंस सेंटीमीटर में होंगे। तो यह हो गया हमारा शिपमेंट के लिए डिटेल्स। तो बाद में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट के लिए हमें मल्टीपल इमेजेस प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक सेक्शन है,
प्रोडक्ट गैलरी करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे हम क्लिक करेंगे और हमारा एक फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा इमेजेस पड़ा हुआ है। तो अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सिलेक्ट फाइल्स में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे। मैंने एक सिलेक्ट किया, मुझे और एक शर्ट के इमेज चाहिए तो मैं एक और एक सिलेक्ट कर रही हूँ। वो अपलोड हो गया, अब ऐड टू गैलरी करूँगी मैं। देखो हमारे दो शर्ट्स ऐड हो चुके हैं गैलरी इमेजेस। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट का सभी डिटेल्स हमने भर दिया है तो हम अभी हमारे प्रोडक्ट को पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश बटन और उस पर क्लिक करें। हमारा प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे ऐड कैसे हुआ है वो देखने के लिए हम अभी अपने वेबसाइट पे विजिट करेंगे। और नीचे हम देख सकते हैं हमारा मेन शर्ट ऐड हो चुका है, उस पर सेल टैग भी लगा हुआ है क्योंकि हमने उस पर सेल्स प्राइस भी लगाया है 1200 का। यहाँ पे स्वाइप करने पे हमें पता चलता है कि हमने हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी है प्रोडक्ट इमेजेस के, और नीचे उसका प्राइस दिया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन भी जो हमने दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह हम प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमें अपना प्रोडक्ट वेबसाइट में से डिलीट करना है तो वो कैसे करें, तो चलो देखते हैं। हम अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे फिर से, और फिलहाल के लिए हमने जो प्रोडक्ट अभी ऐड किया है वो ही डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट सेक्शन में जाए और ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे आपको। तो फिलहाल हमने मेंस शर्ट ऐड किया था। दो मेथड से हमारा प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ट्रैश बटन जो दिख रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, वहाँ पे क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करके ट्रैश पे क्लिक करूँगी। अगर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट डिलीट करना है तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे बल्क एक्शंस में मूव टू ट्रैश करके यहाँ पे अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारे सिलेक्टेड प्रोडक्ट डिलीट हो जाएंगे। अभी हमने अपने वेबसाइट पे जाके देखेंगे। रिफ्रेश करती हूँ मैं अपना वेबसाइट, तो हमारा मेन शर्ट जो था पहले वाला वो डिलीट हो चुका है। अभी दूसरा एक सेक्शन देख सकते हैं हम कैटेगरीज के लिए। अगर हमें स्पॉट पे कैटेगरी नहीं ऐड करनी है, पहले से ही कैटेगरीज ऐड करनी है तो कैसे करें? यहाँ पे डैशबोर्ड में प्रोडक्ट सेक्शन में एक कैटेगरी सेक्शन है, वहाँ पे जाए और अपने कैटेगरी का नाम दे दें। यहाँ पे मैं दूंगी विमेन हील और या फिर सैंडल। एक एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ मैं। यहाँ पे स्लग सेक्शन है, वो हम अगर उस पर डेटा डालें, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का जो URL है उसमें वो नाम आता है। अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का नाम है वही वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। और नीचे जाके ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं विमेन सैंडल का एक नया कैटेगरी हमारे पास ऐड हो चुका है। अगर आपको कैटेगरीज भी डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट बटन है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर एक मल्टीपल कैटेगरीज डिलीट करना है तो वो सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करके बल्क एक्शन में डिलीट करके अप्लाई कर देंगे। और रिफ्रेश करेंगे हम अपना स्क्रीन। नीचे देख सकते हैं आप
वो मेकअप और विमेन सैंडल का जो कैटेगरी था वो डिलीट हो चुका है। तो आज हमने देखा कि मोबाइल से हम अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और कैटेगरीज कैसे सेपरेटली ऐड और डिलीट कर सकते हैं। धन्यवाद।